फर्स्ट ईयर है, काफ़ी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बचपन से क्रिकेट तो खेलते आए हैं और शौक भी बहुत है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हुआ क्योंकि बॉल डिफरेंट है और बॉक्स के एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आई एम श्योर। यस यस, लास्ट ईयर खेली, लास्ट ईयर यस, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ BCL एंड दिस टाइम आल्सो द थर्ड टाइम BCL इज हैपनिंग। बहुत ही डिफरेंट चीज है बिकॉज वी एक्टर्स वी यूजुअली बिजी इन शूट्स एंड एवरीथिंग, सो ये थोड़ा रिफ्रेशमेंट टाइप हो जाता है। ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग वेयर एवरीबडी द होल इंडियन टेलीविजन कम्स टुगेदर एंड वी गेट टू मीट आवर फ्रेंड्स, सो या इट्स समथिंग रियली। हम लोग लखनऊ में आपसे खेलेंगे और हम तो काफ़ी तैयारी कर रहे थे, पहले ही कर रहे थे, छः महीने पहले से हमारी तैयारी चल रही थी लेकिन पोस्टपोन हो गया। फैशन आइकन तो बन चुकी है, वो पहले से ही फैशन आइकन थी और अभी काफ़ी अच्छा उनका ड्रेसिंग सेंस सबको लग रहा था, तो मैंने तो वही बोला जो बाहर से दिख रहा था। लेकिन बिग बॉस के अंदर जो भी जाता है ट्रोल होता ही है, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे बुरा करे, तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम और वो होगा ही, तो बिग बॉस में जाएगा उसका भी होगा ही। एंड आई बिलीव दैट फैशन आइकन मींस हाउ वन कैरीज हिम और हिज और हरसेल्फ एंड द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज फैबुलस, लाइक देयर इज नो उस पर हंसी आ रही है, तो मैंने मुझे काफी लोग टैग करे थे, मैंने रिप्लाई तक नहीं किया क्योंकि इट्स वेरी सिली एक्चुअली बिकॉज देयर इज नो हेयर, देयर इज नो मेकअप इनसाइड, सो शी इज डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन। I guess that itself is an effort which she puts and yeah, of course it's something really good. देखने में मैं definitely winner है हिना खान को चाहता हूँ, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि हिना खान, शिल्पा एंड विकास टॉप थ्री में जाएंगे, जो मैंने अंदर बोला भी था, बूट पर है, मैंने दिखाया नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।